हेलो गाइस, तो आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पे दारमा वैली में, और हम हैं अभी बलिंग में। जैसा कि कल आपने देखा था, रोड ब्लॉक थी तो हमने यहाँ पे स्टे किया था, और अभी हम सब उठ चुके हैं सुबह चाय पीने। और हेलो, बाहर का कुछ हाय एवरीवन। इस तरह का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से बर्फबारी हो रही है भयंकर, सुबह से बर्फबारी देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है छतों पे। सेम कंडीशन उस मकान की छत भी है, एंड सामने पहाड़ दिख रहा है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। तो बड़ा ही मतलब ठंडा मौसम हो रहा है। कैसा लग रहा है महेंद्र? बहुत अच्छा लग रहा है। यही रहूँ मैं तो। और आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो जल्दी से जल्दी अब घर जाना चाहता हूँ भाई। यहाँ के हालात को देख के मुझे डर लगने लगा है। आधा मकान टूट चुका है ये वाला बर्फ। तो जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, अभी कोई पता नहीं है कि हम आज भी यहाँ से जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर रोड ब्लॉक है, जब तक ब्लॉकेज हटेगी नहीं कोई पता नहीं आगे का। तो तब तक ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही सो रहे हैं। ठंड वो होता है भी पढ़ना शुरू। तो गाइज, हम जा रहे हैं अभी वाईफाई के पास। यहाँ पे हर गांव में एक वाईफाई दिया गया है, नेटवर्क तो यहाँ पे है नहीं। और पीछे आप देख सकते हो बर्फ। पीछे क्या, आपको आगे दिखाता हूँ मैं। बर्फ कितनी बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। ओए होए, बर्फ कुछ ज्यादा ही है। ये सीढ़ियों का हाल दिखा देता हूँ आपको। ये सीढ़ियाँ और ये गुप्ता जी आ रहे हैं, और ये पहाड़ पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ मकान की छत देख सकते हो आप। तो भाई इतनी बर्फबारी हो गई रात रात में। बर्फ इतनी है, खुशी भी है बर्फ को देखने की, लेकिन बड़ी टिपिकल हो जाता है बर्फ में चलना। और ये बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो, ये हमारी बाइक खड़ी थी कल, जहाँ हमने बाइक खड़ी करी थी। जिस तरह से बर्फ गिरी हुई है, बहुत लेट आ रही है, लेकिन और नदी की तरह बह रहा है। उधर कहाँ है? झरने की तरह बह रहा है, और झरने की तरह बह रहा है उधर। हाँ 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 कहाँ है? देख स्लाइडिंग हुई है। सुनील वीडियो बना ले। बर्फ ही बर्फ, जहां देखो बर्फ ही बर्फ।
आई लव यू। ये गुप्ता जी को मैंने दे दिए आधा किलो बर्फ, ज्यादा ही मेरी तरफ मत मारना। तो भाई मजा तो आ रहा है यार, लेकिन हम फंसे हुए हैं। हम छह के छह आ गए। ओम नमः शिवाय। तो ये कुछ वाईफाई सिस्टम है पटिंगाओं के, प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी के घर पे ये चल रहा है। ये बीएल ये सैटेलाइट के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं, तो हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कब नेट चलेगा, कब हम मैसेज करके इन्फॉर्म करें घर वालों को। भैया बना रहे गर्मा गर्म रोटी। ओके भैया ठीक है सर। ठीक है भैया, मिलते हैं कभी। ओके सर, बड़ा अच्छा लगा भैया आपसे मिल के। ओके सर, अगली बार जरूर अगर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे आपके पास। वेलकम आप लोग का सर। और कुछ मिसिंग रह जाएगा तो हमारा बात कर लेंगे भी आपसे ना। ये व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो ये हम भैया के होम स्टे पे रुके थे, आराम से आराम से आराम से। और कुछ ये हमारे गुप्ता जी काफी भारी भरकम बैग लेके चलते हुए। बर्फ तो वैसे पिघली गई भी है ना, लमसम लमसम पिघली गई। तो सांस बड़ी जल्दी फूल जाती है यहाँ पे ठंड में। ये आईटीबीपी की चौकी धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये गुप्ता जी आ रहे हैं और हम बलिंग से आ रहे हैं, हम ऊपर रोड की तरफ जा रहे हैं। पूरी बर्फबारी हो चुकी है। गुप्ता जी सांस फूल रही है, थकान बहुत जल्दी हो जा रही है। तो वैसे हम चलते हैं, मिलते हैं आगे। जोर कैसे लग रहा है, अच्छा काफी ठंडी है। तो भाई इंजन गाड़ी का ठंडा है, बड़ी तकलीफ हो रही है गाड़ी चलने में। ताजी पैर नीचे नहीं रखना है, मैंने बोल दिया ना, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं रखना है।
ये इनको डांट में क्यों नहीं रखा, बैग को बीच में रखो। तो वही पैदल जा रहा है, कंप्लीटली स्नो है। गाड़ी का भी इंजन ठंडा है ना, तो गाड़ी में पावर नहीं आ रहा है। ओके ब्रदर, क्या नाम है आपका, आपके चैनल का क्या नाम है? बाइक पैकर सुधी। बाइक पैकर सुधी, ओके बॉस, मिलेंगे फिर, हैप्पी जर्नी। तो ये भाई हमारे साथ रात को होम स्टे में था, भाई केरला से आया हुआ है, वो भी सोलो राइड कर रहा है अकेला, भाई की गाड़ी ख़राब हो गई थी, ये भी उसी ब्लॉकेज में फंसा था जिसमें हम फंसे थे, वहाँ से भाई वापस आया। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, ये रहा जो ब्लॉकेज था लास्ट टाइम जगह पे हम गए थे, इनक्रेडिबल इंडिया राइड सीजन 2। काफ़ी मुश्किल, इतना मुश्किल काम था तो हम कैसे हटा सकते थे, वो या कह सकते हैं मुझसे हटा लेंगे फावड़े से क्यों। तो काफ़ी मुश्किल काम है, जैसे भी लगी रही है, वहाँ से पानी देख, पानी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो काफ़ी टफ रास्ता है। KL 78, तो ये बाइक है उस बंदे की जो हमारे साथ रुका था रात को, इनक्रेडिबल इंडिया राइड सीजन 2, बैकपैकर सुधी एक्सपल्सर। ठीक है, बाइक की गाड़ी ख़राब हो गई बता रहा था, पैदल पैदल आ रहा है अभी, तो काफ़ी दूर आना पड़ेगा बाइक को पैदल पैदल। तो कुछ इस तरह की वादियाँ हैं, तो भाई आर्मी लगी हुई है यहाँ पे, आर्मी के जवान हैं, पीछे उनका ट्रक भी खड़ा हुआ है, और ये बर्फ़ जैसी भी द्वारा हटाई जा रही है, तो काफ़ी टास्क है, बिना मशीन के तो ये काम हो ही नहीं सकते थे। एंड आर्मी और लगी हुई है नीचे, आर्मी के ट्रक खड़े हैं, आर्मी के जवान यहीं पे है। आर्मी वाले कल से लग रहे हैं यार, आर्मी वाले कल से हैं। तरीके से बर्फ हटाई जा रही है जैसे भी द्वारा, ऑलमोस्ट रास्ता क्लियर हो ही गया, चलते हैं हम भी, चलो चलो चलो, जैसी भी साइड में लगी है। तो ये आर्मी की गाड़ियाँ हारी हैं, ये कल से यहाँ फंसे हुए हैं ये भी। कोई भी चलो, रोक रहे हो, रोक, वेट अफसर, वो अफसर, गाड़ी
ओके सर जय हिंद। तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है रास्ता, तो ब्रेक तो लगाने ही नहीं है, ब्रेक लगाते ही गाड़ी स्लिप हो जाएगी। थैंक गॉड हम यहाँ से निकल गए, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल था, बहुत मुश्किल था, नॉर्मल इंसान तो इसको हटा ही नहीं सकता था, जेसीबी को भी पूरा एक दिन लग गया इस ब्लॉकेज को हटाने में, जैसा कि उन जवानों ने कहा हाँ कि कल हटा दिया था आधा, लेकिन जेसीबी का टायर पंचर हो गया, कल वापस जेसीबी नीचे चल गई थी, उसके बाद जेसीबी जब आज सुबह वापस आई तो उतनी बर्फबारी वापस हो गई थी, तो इसलिए वापस टाइम लग गया, शुरू से काम करना पड़ा सारा का सारा। फाइनली यहाँ तक हम आ ही गए, अब आगे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं, एक बार पीछे वालों को वेट कर लेते हैं। हाँ तो भाई हम वापस आ चुके हैं पंचाचुली घूम के, और ये सामने वही झरना रहता होगा खूबसूरत सा।